और बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात से खबर है जहां पर सूरत में कल रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान झड़प हुई थी। शोभा यात्रा के दौरान दो गुट आमने सामने आ गए थे, दोनों ओर से जोर जोर से नारेबाजी होने लगी। नारेबाजी से मौके पर माहौल गर्मा गया जहां दोनों गुटों के लोग आपस में भिड़ने लगे। पुलिस ने मामले को संभाला और तनाव खत्म किया। यानी कि एक और शहर जोड़ लीजिए जहां पर रामनवमी के दिन शोभा यात्रा या जुलूस निकाला जा रहा था और उस दौरान हंगामा देखने को मिला। हालांकि यहां पर पुलिस की तत्परता थी और पुलिस ने इस तत्परता के साथ यहां पर स्थिति को इन कमांड रखा। दोनों ओर से नारेबाजी होती रही, माहौल गर्माता रहा, नारा वर्सेस नारा ये वहां पर समझ में आ रहा था। तस्वीरों को देखकर भी आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि कैसे जुलूस के दौरान दोनों पक्षों की ओर से नारेबाजी की जा रही है। राहत की बात यह रही कि यहाँ पर किसी भी तरीके से सौहार्द बिगड़ा नहीं, स्थिति बिगड़ी नहीं। देखिए, दूसरे पक्ष के लोग हैं और इनकी ओर से भी नारेबाजी की जा रही है। लेकिन सवाल यही है इन तस्वीरों के बाद कि आखिर ये गुस्सा, ये भड़कना ये क्यों है? क्योंकि धार्मिक तौर पर अपने त्योहारों को मनाने की आज़ादी सबको है, ये संविधान कहता है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोगों की ओर से प्रोवोक किया गया। हालांकि सरकारें इस पर अपना अलग अलग मत रखती हैं अलग अलग राज्यों की, लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। आप देख रहे हैं, ये सूरत से तस्वीरें हैं।